का पार्ट टू जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरह से पूनम इस छोटे से जगह में मंडप बनाएंगी। और ये जो मूर्ति का अभी आप ये जो भाग देख रहे हैं कि जो अभी जस्ट ये पहले स्टेज की आप देख रहे हैं, इसको किस तरह से बढ़िया रंगों से इसे सजाएंगी। और विसर्जन भी बहुत ही धूमधाम से हम करेंगे, बप्पा की आरती भी आपको दिखाएंगे और भी तमाम चीज़ें। पार्ट टू और गणपति के विसर्जन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आइए। रांझण गावाला गावाला महागणपति नांदला, गणपति नांदला। रांझण गावाला गावाला महागणपति नांदला, गणपति नांदला। चला पहाटे पहाटे देव के भाषा। अभी आरती तो हो गई है, तो अभी वक्त है विसर्जन का। और जब घर में हैं हम और बाहर नहीं जा सकते विसर्जन के लिए, तो घर में रहकर भी तो बप्पा को यादगार धूम धड़ाके से विदाई दी जा सकती है ना। तो चलिए, देर किस बात की है, अगर आपके हौसले बुलंद हैं और कुछ कर दिखाने की आपने ठान लिया है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो पूनम, तो चलते हैं विसर्जन के लिए। वो आप देख रहे हैं वहाँ, वो दूर एक टब दिख रहा है, वहाँ हमें जाना है बप्पा को विसर्जित करने के लिए। तो हो जाए, हो जाए। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान। So with the immersion of Ganpati, we just pray to God that this corona also gets immersed as soon as possible. जी हाँ, बिल्कुल सही है। बप्पा के विसर्जन के साथ साथ हमने बप्पा से यही आशीर्वाद मांगा है कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी का भी विसर्जन हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। यस, जल्द मिलेंगे हमारे नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।